फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल tutor.com पर स्वागत है आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे हम मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं स्पीड डिस्टेंस वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन सब के बारे में भी पढ़ चुके हैं अब हम देखते हैं कि इक्वेशन मोशन की इक्वेशन ग्राफिकली कैसे डिराइव होती है तो मोशन की तीन इक्वेशन है v u at s ut 1/2 at2 एंड 2as v2 u2 इसमें v हमारी फाइनल वेलोसिटी है u Initial velocity है, है, है और T है time. Second case में जो एस आपको दिख रहा है ये S हमारा दिखाता है displacement को. अब हम derive करते हैं. सबसे पहले आप जरा राइट साइड पे देखिए स्क्रीन के तो ये मेरा एक ग्राफ है एक्स वाई एक्स एक्सिस अब तक हमें पता चली चुकी है वाई एक्सिस भी ये हमारा टाइम है ये हमारी वेलोसिटी है अब मेरे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी ऐसे देखता है तो इसका मतलब उसकी कुछ इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी पहुंचने में उसने टाइम लगाया वो है टी तो मैं क्या करूंगी मैं इन सबको एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दूंगी ऐसे ये डॉटेड लाइन से बनेगा जो कि हमें यहाँ दिख रहा है इस ग्राफ में यहां पर तो आप ध्यान से देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है हमें क्योंकि स्लोप निकालेंगे क्योंकि द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स मी द एक्सीलरेशन सो स्लोप इज आल्सो द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन सो चेंज इन वेलोसिटी वुड बी v माइनस यू तो हमारा ये जो बी है ये मेरा है v ये मेरा ओ यू जो ओ ए जो है वो है मेरा u और मेरा ओ सी जो है वो है टी हम ये इक्वेशन लेंगे हमने ये सारी ड्रॉ कर दी है ए डी ई बी 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 और सी 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 अब हम 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 क्या करेंगे पहले हम BC निकालेंगे. BC से हम कोशिश करेंगे पहले निकालेंगे से कोशिश कि हम बी डी की वैल्यू निकाले तो बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी बी डी हमारा कितना है नहीं पता सी कितना है यू बी सी कितना है वी इक्वेशन में पुट किया इक्वेशन से हमारी बी डी की वैल्यू आ गई वी माइनस यू ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है इसको हम बहुत जगह यूज करेंगे अब जो ये मेरा एडी है यही मेरा ओ सी होगा क्यों होगा क्योंकि ओसी जो है ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल और पैलर होती है इसीलिए हमने यहाँ पे जब हम आ, ये डीसी का देख रहे थे यहाँ पे बीसी इज इक्वल टू बी प्लस डीसी में DC को हमने OA से रिप्लेस कर दिया था क्योंकि ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में आ रहा था कमिंग बैक टू दिस A इक्वल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन चेंज इन वेलोसिटी या फिर बीडी बी डी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया माइनस यू तो बी डी को हमने पुट किया यहां पे ए तो की जगह ए रखते हैं अभी तो A बी डी डिवाइड बाई ओसी की जगह अभी हमने टी रखा है तो A बी डी बाई टी अब हम क्या करेंगे अब हम इस बी डी को यहाँ पे पुट करेंगे तो इससे आएगा मेरे पास वी माइनस यू इक्वल्स ए टी यू को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और हमारी फाइनल इक्वेशन वेलोसिटी टाइम की आएगी हमारे पास v U अब हम देखते हैं. हमारी है. हम क्या करते हैं एरिया अंडर ग्राफ करते हैं अब एरिया अंडर द ग्राफ में ये एक की तरह भी डील हो सकता है और ये एक ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल भी हो सकता है तो पहले हम ये ट्राइंगल और रेक्टेंगल करेंगे तो एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस सो एस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ओएसीडी ओएसीडी का क्या हुआ ओए टाइम्स ओसी और इस ट्रायंगल का जिसका हुआ हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट सो बेस हुआ मेरा एडी हाइट हुआ बी डी एडी हमें पता ही है यहाँ पे हमारा ये एडी कितना है टी और ये मेरा ए जो है वो है मेरा यू और ये जो मेरा पूरा बी सी है ये है v. ये हमें पता ही है तो ओ ए की जगह हमने रखा यू ओ सी की जगह रखा टी AD की जगह रखा टी और बी डी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला ही था बी डी की वैल्यू जो थी वो थी ए टी इस बी डीवल ए टी को भी मैंने यहाँ पे रखा अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आएगी पोजिशन टाइम रिलेशन की एस इक्वल यूटी प्लस हाफ स्क्वायर तीसरी इक्वेशन है हमारी पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन इसमें भी हम एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं पर इसमें ना हम ट्रिपीजियम लेंगे अब ट्रिपीजियम का फॉर्मूला होता है पहला साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं जोड़ते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं बिटवीन बिटवीन बाय द द डिस्टेंस टू तो पहले तो हम ये देखते हैं ये क्या हुआ हमारा यू ये हुआ हमारा वी इतना तो अब हमें ड्रिल पता ही है ये हुआ हमारा टी तो पहला साइड हो गई मेरी ओ ए और बी सी ये यू और वी तो ओ ए प्लस बी सी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस हो गई मेरी टी डिवाइडेड बाय टू तो मैंने लिखा ओ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ओ डिवाइडेड बाय टू ओ ए है यू बी है वी ओ है टी डिवाइडेड बाय टू अब मेरी पहली इक्वेशन वेलोसिटी टाइम की थी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए तो मैं ये इक्वेशन जरा लिखती हूँ और इससे मैं क्या करूंगी मैं ये इक्वेशन लिख रही हूँ टी निकालने के लिए तो अब ये ए टी चाहिए मुझे राइट साइड पे तो ये जो U है इसको मैं लेफ्ट साइड पे भेजूंगी जब मैं लेफ्ट साइड पे भेजूंगी तो ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी V माइनस यू क्योंकि जब इक्वल एक, एक, के लेफ्ट साइड पे ये वैल्यू जाती है तो वो साइन चेंज हो जाता है इक्वल ए टी अब अगला स्टेप क्या होगा ये जो मेरा ए है इसको मैं क्रिस क्रॉस में डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी इसके तो मेरे पास टी आ जाएगा वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए इस इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट करेंगे इस की जगह और मेरे पास इक्वेशन आएगी ये अब यहाँ देखो क्या है मेरे पास आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू टू एस ये मेरी इक्वेशन हो गई पोजिशन वेलोसिटी का रिलेशन तो हमारी तीनों इक्वेशन प्रूफ हो चुकी हैं पहली है दूसरी अपोजिशन वेलोसिटी रिलेशन ये वी स्क्वायर माइनस है तो टू एस इक्वल माइनस यू स्क्शन टाइम रिलेशन हो गया s ut 1/2 आशा करती हूं आपको ये वीडियो समझ आई होगी अगर आपको आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर नहीं आई है तो भी लिखिएगा और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और एक दो टेस्ट दे दीजिए ताकि आपकी ग्रेडिंग भी हो जाएगी और और भी वीडियोस चेक कीजिए स्टे हैप्पी स्टे सेफ कीप स्माइलिंग थैंक यू सो मच